हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा की कंप्लीट डिटेल कि यहाँ पर कौन से स्थान घूमने के हैं और यहाँ कैसे पहुँचे और कौन सा मौसम बेस्ट है घूमने के लिए। ये हिल स्टेशन गुजरात के सह्याद्री पर्वतमाला की खूबसूरत वादियों में स्थित है और ये गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन है और ये हिल स्टेशन 873 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, जिस कारण गर्मियों का मौसम सुहाना ही रहता है। यहाँ पर आसपास कई खूबसूरत जगहें हैं जो लोगों को आकर्षित करती है। वैसे सापुतारा का अर्थ होता है सांपों का घर। यहाँ आसपास कई सांप पाए जाते हैं और आसपास के आदिवासी लोग सांपों की पूजा भी करते हैं। चलो आइए सबसे पहले जानते हैं यहाँ के प्रमुख स्थल। पहले नंबर पर है सापुतारा लेक। सापुतारा हिल स्टेशन की सबसे फेमस जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। ये हिल स्टेशन लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर आप बोटिंग के मज़े भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ लेक के पास ही बहुत शांत और खूबसूरत गार्डन है जहाँ कुछ टाइम शांति से बिता सकते हैं। इसमें कई तरह के पेड़ भी है और कुछ खास पक्षी भी। इसके बाद दूसरा स्थान आता है आर्टिस्ट विलेज। सापुतारा झील के पास ही एक रोमांचक अनोखा गांव है, कलाकार गांव। यहां पर आप बांस और पारंपरिक कपड़ों से बनी कई सुंदर कलाकृति देख सकते हैं। यह आदिवासियों की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। ये गांव भी लोगों को आकर्षित करता है। इसके बाद आते हैं अगले स्थान पर सापुतारा म्यूजियम। सापुतारा का यह म्यूजियम बहुत ही जनजातीय लोगों की जीवन शैली को दिखाता है। यहाँ पर डंग जनजाति की जीवन से जुड़ी हुई कई चीज़ें प्रदर्शित की जाती है, जैसे कि वेशभाषा, विरासत और जीवन शैली। गांव की जीवन शैली को देखने के लिए ये एक अच्छी जगह है। इसके बाद अगले स्थान पर आते हैं वसंदा नेशनल पार्क। सापुतारा का यह नेशनल पार्क 24 किलोमीटर में फैला है। यह पहले वसंदा महाराज के निजी जंगल हुआ करते थे। यहाँ पर लोग शेर, चीते, सांप, अजगर और बड़े आकार की गिलहरियाँ देख सकते हैं। जिन्हें जंगली जानवर और प्राकृतिक देखने का शौक हो वो यहाँ पर जरूर जाइए। इसके बाद अगले स्थान पर आते हैं गिरा फॉल्स। सापुतारा से लगभग 48 किलोमीटर पर स्थित है गिरा फॉल्स, जो कि वागई में पड़ता है। ये एक झरना प्राकृतिक रूप से बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पर झरने की आवाज़ और अद्भुत नज़ारे सबको पसंद आते हैं। ये जगह फोटोग्राफी और दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बेहतर एक जगह है। इसके बाद अगले स्थान पर आते हैं सनराइज एंड सनसेट पॉइंट। सापुतारा में मालेगांव के पास ही बेहतर एक सुंदर जगह है सनराइज़ व्यू पॉइंट, जिसे वैली व्यू पॉइंट भी कहते हैं। ये जगह सनराइज़ और सनसेट देखने के लिए बेस्ट है। यहाँ से सनराइज़ और सनसेट के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ घूमने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो सापुतारा में आप साल भर में कभी भी घूमने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। इस कारण यहाँ साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग गर्मियों के वैकेशन में आते हैं। अब जानते हैं यहाँ तक आप पहुँच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए हवाई मार्ग से, तो यहाँ का सबसे पास एयरपोर्ट है वो है सूरत एयरपोर्ट, जो कि सापुतारा से 156 किलोमीटर दूर है। तो ये एयरपोर्ट है सूरत एयरपोर्ट। यहाँ से बस से या टैक्सी लेकर पहुँच सकते हैं सापुतारा में। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है वागई रेलवे स्टेशन, जो कि सापुतारा से 50 किलोमीटर दूर है। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो गुजरात और महाराष्ट्र के काफ़ी बड़े शहरों में यहाँ के लिए डायरेक्ट बस चलती है, आप उनसे यहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस तरह आप घूम सकते हैं इस खूबसूरत और गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा में। आशा करती हूँ आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।